तो काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कैसे हो क्रिकेट के दीवानों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैक टू बैक विनिंग मैच प्रेडिक्टर के साथ ज्ञात पोस्ट पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे T20 लीग 2023 के मैच नंबर 29 की, जो की खेला जाएगा जोबर्ग सुपर किंग्स और MI कैप टाउन के बीच। ये मुकाबला 6 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात 9 बजे से द वंदेरा स्टेडियम जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। बात करेंगे इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है जिसमें MI कैप टाउन की टीम जीती थी। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहां पर दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि इनके बीच ज्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं। अब बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। इससे पहले दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा प्रीति भाई का। अप्रीति भाई का काम मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, ये लगातार बैक टू बैक टॉस मैच और सेशन में काफी प्रॉफिट करा रहे हैं। इनके सेशन 99% एक्यूरेट रहते हैं। इसी के साथ इनके पास जो भी लीग चल रही है, जो भी मैच चल रहे हैं, इनकी सारी अपडेट रहती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लॉस में चल रहे हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक बार इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें जोबर्ग सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे विजय हेनरिक, कप्तान फाफ डुप्लेसिस, ड्वेन परेरा, लुइस डुप्लोई, मखाया, मैथ्यू वेड, रोमारियो सेफर, गिलार्ड, नेंद्रे, टाइलर सिमंस और महेश थिक्सना। जोबर्ग की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, कैश मुकाबले को जीत पाएगी। इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी MI कैप टाउन की प्लेइंग 11। तो हमें कैप टाउन की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे डेवाल्ड ब्रेविस, ग्रैंड रिलेफेंस, वेस्ली मार्शल, वेंदर दसेन, जॉर्ज लिंडे, टिम डेविड, ऑडेन स्मिथ, सैम करन, डेन जॉनसन, कप्तान राशिद खान और कगिसो रबाडा। दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में MI की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। सैम करन, रबाडा और राशिद खान जैसे नामी प्लेयर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अभी तक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर बैटिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। दोनों ही टीमों के प्लेयर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जोबर्ग के प्लेयर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पर है। तो यहाँ पर बैटिंग लाइनअप में जोबर्ग की टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। ऑल ओवर यहाँ पर दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। देखने वाली बात होगी किस टीम का पलड़ा भारी रहता है इस मुकाबले में। इससे पहले बात कर लेते हैं क्या रहेगी पिच रिपोर्ट। तो ये मुकाबला खेला जाएगा द वंदेरा स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर पेस बॉलर्स को काफी मदद देखने को मिलती है। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 159 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 163 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 182 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 136 है। यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट 182 हुए हैं, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 168 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर रन बनाना काफी आसान होता है। अगर फर्स्ट बैटिंग लेने वाली टीम 210 के आसपास का स्कोर बनाती है तो आसानी से डिफेंड कर सकती है। यहाँ पर 190 का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस और मैच से रिलेटेड काफी सारी अपडेट वहां पर आपको मिल जाती है। इसी के साथ जो भी लीग चल रही है या जो भी लीग स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि PSL, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, इन सब की अपडेट आपको मिल जाया करेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ही टीमें लगभग बराबर नजर आ रही है। हमारा पर्सनल प्रेडिक्शन ये रहता है कि इस मुकाबले में जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम जीत हासिल करेगी। हाँ दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जोबर्ग जीतने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो फाइनल अपडेट आपको कहाँ मिलती है टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉस मैच और सेशन की कंफर्म रिपोर्ट चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञात पोस्ट। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।